हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है नोवाक जोकोविच, बी डेनियल मेदेव और सी रोहन बोपन्ना, डी मैथ्यू एबडेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने जो है यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस 2023 का खिताब जीत लिया है और फाइनल में उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। ये जोकोविच का रिकॉर्ड जो है 24वां ग्रैंड स्लैम है और चौथा यूएस ओपन में सिंगल टाइटल्स है। उन्होंने जो है ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व टेनिस स्टार मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली है। तिनी स्टार मार्गरेट जो कोर्ट हैं ये पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करती हैं। इन्होंने भी जो है 24 ग्रैंड स्लैम को जीता है। तो नोवाक जोकोविच ने जो है इनके जितना जो है ग्रैंड स्लैम को जीत चुके हैं, यानी कि 24 इन्होंने भी जीता था और 24 इन्होंने भी जीत लिया है। तो आगे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दो, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की 19वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया, डी तुर्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की। यहाँ पर एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक जो 19वीं बैठक हुई तुर्की देश में आयोजित की गई, तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 5 सितंबर 2023 को इस्तांबुल तुर्की में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया है और बैठक के दौरान समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री जीवों की रक्षा और सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है इस बैठक में चर्चा की गई है। और भारतीय तटरक्षक खोज और बचाव कार्य समूह का अध्यक्ष है। आगे हमारा है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन, बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जो है बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरम्य कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली महोत्सव का उद्घाटन किया। उद्देश्य बंगस घाटी के भीतर जो है पर्यटक के अवसरों पर प्रकाश डालना, इसका इस जो महोत्सव का उद्देश्य था जो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था हाल ही में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर चार, बीआरओ द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी लद्दाख, डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सी वाला हमारा सही हो जाएगा, लद्दाख में जो है बीआरओ द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र स्थापित किया गया है, यहाँ पर किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, लद्दाख। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊँचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। परियोजना का शिलान्यास जो है 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देवेक ब्रिज से जो है इन्होंने किया है और भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के 3488 किलोमीटर के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। तो ये बीआरओ जो है बीआरओ के द्वारा लद्दाख में शुरू किया जाएगा जिसका शिलान्यास जो है 12 सितंबर को मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर पाँच, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है भारत, बी अमेरिका, सी ब्राज़ील, डी उत्तरोक्त तीनों देशों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ने मिलकर जो है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू किया है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। भारत, अमेरिका और ब्राज़ील वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन विकसित करने के लिए इच्छुक देशों के साथ मिलकर जो है ये तीनों देश काम करेंगे। पीएम मोदी ने सभी देशों को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत का प्रस्ताव जो है पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को जो है 20% जो है तक ले जाना भारत का प्रस्ताव है। ये वैश्विक स्तर पर पहल करना
ये भारत का प्रस्ताव है जो कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण हो। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 एथलेटिक्स 2023 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया है शिवपाल सिंह, बी अनिल सिंह, सी किशोर जिना, डी नीरज चोपड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोर जिना ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में 2023 जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। किशोर जिना ने 82.53 मीटर के थ्रो के साथ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 जीता है। विकास यादव 72.88 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर और हरीश कुमार 71.78 मीटर के थ्रो के स्थान पर तीसरे स्थान पर रहे, और ये हमारा अन्य गोल्ड मेडल जो विजेता है इसमें, तो अमोस जैकब जो है 400 मीटर दौड़ के लिए इन्हें गोल्ड मेडल जीत दिया गया है, और जिनसन जॉनसन को 1500 मीटर दौड़ के लिए इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में जो है एथलेटिक्स 2023 आयोजन इसका जो है 10 से 11 सितंबर 2023 को हुआ था, स्थान चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 7, मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी किस राज्य के द्वारा दी गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो है मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मुआवजा देने का योजना शुरू किया गया है। मॉब लिंचिंग क्या है, तो मॉब लिंचिंग जो है पिछड़ी जैसे कि जातियाँ हैं, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर जो है हिंसाएँ की जाती हैं, उसमें जो पीड़िता होते हैं उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है, मॉब लिंचिंग पीड़ित कहा जाता है, तो इनके लिए जो है इस योजना को चलाया गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट के मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लागू करने का फैसला किया है। यह योजना मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश सरकार मॉब लिंचिंग पीड़ितों के परिवारों को 10 लाख जो है मुआवजा देगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने यह घोषणा की है। तो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत में कहाँ शुरू होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी सूरत, डी विशाखापट्टनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर मुंबई में शुरू होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। G20 समिट 2023 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इस कॉरिडोर में भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। यह कॉरिडोर जो है भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ता है। यह कॉरिडोर को जो है 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें जो है 3500 किलोमीटर जो है समुद्री मार्ग शामिल है, यानी कि 6000 किलोमीटर में 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग होगा और सभी जो है थल मार्ग होगा। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 9, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है राधिका अयंगर, बी राम मोहन राव, सी रचना विष्ट रावत, डी डॉक्टर कर्ण सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, राधिका अयंगर ने जो है फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक की रचना की है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, राधिका अयंगर फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस की लेखिका है, जिसे हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक भारत में जो है बनारस शहर पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है 10, बी 11, सी 12 और डी 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, 12 वैज्ञानिकों को 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र का शीर्ष वार्षिक पुरस्कार है और वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 7 विषयों
भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। तो आज का करंट अफेयर का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।